आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में मैं हूँ वर्षा सिंह और आज हम महाराष्ट्र के सेट का एग्जाम हम सॉल्व करने वाले होम साइंस का जिसमें पेपर सेकंड और पेपर थर्ड दोनों हम सॉल्व करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के पोर्शन का स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला है इमल्सन इज अ टाइप ऑफ कोलाइड विथ इमल्सन किस टाइप का कोलाइड है सॉलिड इन गैस लिक्विड इन गैस गैस इन सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड तो इसमें से जो इमल्सन होता है वो होता है लिक्विड इन लिक्विड गोलाइट वेगन्स आर एट रिस्क ऑफ बींग डेफिशेंट इन जो वेगन्स होते हैं उनमें किस चीज़ की कमी के चांसेस होते हैं रिस्क होता है फॉलेट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम हीम आयरन एंड विटामिन बी सिक्स विटामिन बी ट्वेल्व हीम आयरन एंड कैल्शियम और, और नॉन हीम आयरन प्रोटीन एंड कैल्शियम तो इसमें जो चांसेस होते हैं वो कमी के होते हैं विटामिन बी ट्वेल्व भीम आयरन एंड कैल्शियम के फिश लिवर ऑयल इज रिच इन फिश लीवर ऑयल किन इनमें से किस में रिच होता है विटामिन डी में विटामिन सी में नायोसिन में और थायमिन। तो जो फिश लीवर ऑयल होता है वो विटामिन डी में रिच होता है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फ्रूट्स में ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अमाइलेज ब्रोमिलेन, पॉलिफिन ऑक्सीडेज और पेपेन तो इसमें होता है पॉलीफिनल ऑक्सीडेज टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड ग्रोइंग ऑन ग्राउंडनट्स जो मोल्ड्स के द्वारा नट पर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है बिब्रियोटॉक्सिन एफलाटोक्सिन एंडोटॉक्सिन और क्रिटेनिन तो ये जो सिट्रिनिन तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एफ्लाटॉक्सिन। बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय अब बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो हाइट इन मीटर्स डिवाइडेड बाय वेट इन किलोग्राम्स वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर और हाइट इन मीटर डिवाइडेड बाई वेट इन किलोग्राम स्क्वायर तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी वेट इन किलोग्राम वेट इन के जी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर द नेट ए टी पी जनरेटेड फ्रॉम द ब्रेक ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस अब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के द्वारा कितने टोटल ए टी पी मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट किए जाते हैं एट टेन ट्वेल्व और सिक्स तो इसमें किए जाते हैं एट टी एच आर स्टैंड फॉर अब अप। अपी एच आर का फुल फॉर्म क्या होता है टेक होम राशन और थाई हिप रेशियो ट्राई होम राशन ट्रीटमेंट हेल्थ रेफरल तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेक होम राशन द डिज़ायरेबल रेशियो ऑफ ओमेगा सिक्स और ओमेगा थ्री फैटी एसिड इन द डाइट अब डिज़ायरेबल जो रेशियो होता है ओमेगा सिक्स का ओमेगा थ्री फैटी एसिड का वो कितना होता है टू टू टेन रेशो वन थ्री टू टेन रेशियो वन फाइव टू टेन रेशियो वन और सिक्स टू टेन रेशो वन तो जो ये होता है वो होता है फाइव टू टेन रेशो वन अकॉर्डिंग टू जियॉर्ज डी हेल्थ सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स ऑफ परसोनल मैनेजमेंट अब ये जोर्ज डे हेल्थ के अकॉर्डिंग जो सक्सेसफुल पर्सनल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है प्रोवाइड सपोर्ट टू द वर्कर्स फैमिली मेम्बर देयर इज़ नो नीड टू असेस वर्क परफॉर्मेंस सुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्कर्स हेल्थ और प्रोवाइडिंग सुटेबल जॉब्स टू वर्कर तो इसका जो होगा आंसर वो होगा आंसर नंबर डी इसके बाद हम पेपर थर्ड सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ग्लूकोज जो है इनमें से केवल किसके लिए एनर्जी का सोर्स है सेल्स टिश्यूज ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज और मसल्स तो जो, जो इसका आंसर होगा वो होगा ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज़ का ओनली जो एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी न्यूरेटिक फैक्टर इनमें से किस को एंटी न्यूरेटिक फैक्टर कहा जाता है वो थाइमीन ड्राइबोफ्लेबिन नायासिन और विटामिन ए तो थमीन को एंटी नायरेटिक फैक्टर कहा जाता है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमीटर मीन्स डेक्सा किस को मेजर करने में यूज़ किया जाता है हीमोग्राम डेंसिटी हीमोग्लोबिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल तो जो है ये डेक्स जो मेथड ही यूज़ किया जाता है डेंसिटी को मापने के लिए वैक्सीन्स गिवन एट बर्थ आर जो बर्थ के टाइम पे वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी होती हैं डी पी ओरल पोलियो मीजल्स चिटनेस टॉक्साइड बी और जी पोलियो तो इसमें जो दी जाती है जन्म के समय वो होती है बी और ओरल पोलियो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज ऑब्जर्वड इन अब जो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है वो किस में शो करता है किस में ऑब्जर्व किया जाता है प्रेगनेंसी में फीवर में मेंसुरेशन में और सर्जरी में तो ये जो है ये प्रेगनेंसी में होता है एलिवेटेड होमोसिस्टीन लेवल इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर जो ज़्यादा होमोसिस्टीन का लेवल होता है बढ़ा हुआ वो किसके लिए रिस्क फैक्टर माना जाता है रीनल डिसीज का सिरोसिस का सीबीडी का या फिर डायबिटीज़ का तो जो है ये सीबीडी का माना जाता है कार्डियोवेस्कुलर डिसीजिज का द डाइटरी असिमेंट मैथड दैट इज़ यूज टू असिस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फूड ग्रुप इज़ नोन एज ऐसी कौन सी डाइट्री असेसमेंट मैथड है जिसमें बहुत सारे जो फूड ग्रुप्स होते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन को असिस्ट किया जाता है फूड फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी फोर आवर डाइट रिकॉल मैथड डाइट डाइवर्सिटी स्कोर और डाइट डायरी तो जो है ये होता है डाइट डाइवर्सिटी स्कोर इसके बाद है द मेथड ऑफ प्रोसेसिंग दैट इम्प्रूवस द लेवल ऑफ विटामिन बी विटामिन सी एंड बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इन पल्सेस ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें पल्सेस में विटामिन बी विटामिन सी की बायोलॉजिकल वैल्यू बढ़ जाती सॉरी विटामिन बी और विटामिन सी का लेवल बढ़ जाता है और बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की बढ़ जाती है फर्मेंटेशन सप्लीमेंटेशन फोर्टिफिकेशन और जर्मिनेशन तो होता है जर्मिनेशन फैट यूज इन ट्यूब फीडिंग इज ट्यूब फीडिंग में कौन सा फैट यूज़ किया जाता है लॉन्ग चैन फैटी एसिड शॉर्ट चैन फैटी एसिड शॉर्ट चैन ट्राइग्लिसराइड मीडियम चैन ट्राइग्लिसराइड तो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मीडियम चैन ट्राइग्लिसराइड एबनॉर्मल लेवल ऑफ बिलुरुबिन इन द ब्लड इंडिकेट ब्लड में एबनॉर्मल लेवल होना बिलुरुबिन का किस बात को इंडिकेट करता है रीनल डिस्फंक्शन कार्डियक फेलियर लिवर डिसफंक्शन और डायबिटीज़ तो ये कहता है लिवर डिसफंक्शन को मोस्ट प्रॉबेबल नंबर टेस्ट इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ अब जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट होता है एम पी एन तो यह किसके एनालिसिस में यूज़ किया जाता है मीट ऑयल वाटर बटर तो ये यूज़ किया जाता है वाटर के हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ फ्लोर इन नीड टू प्रिपेयर हंड्रेड एम एल ऑफ ट्यूब फीट तो ट्यूब फीड में हंड्रेड एम एल प्रपेयर करने के लिए फ्लोर की कितनी आवश्यकता होती है फाइव ग्राम टेन ग्राम फिफ्टीन ग्राम और ट्वेंटी ग्राम तो होती है सिर्फ फाइव ग्राम की आवश्यकता डेफिशंसी ऑफ दिस न्यूट्री ड्यूरिंग प्री कंसेप्सन रिजल्ट इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्री कॉन्सेप्सन के टाइम पे यदि इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो उससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है वो कौन सा न्यूट्रिएंट है विटामिन ए विटामिन बी फॉलेट और विटामिन सी तो वो होता है फॉलेट द फुल फॉर्म ऑफ ई ए आर ई ए आर का फुल फॉर्म क्या है एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेट रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड आल्टरनेट रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड, अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट तो ये होता है एस्टीमेट एवरेज रिक्वायरमेंट फाइटो न्यूट्रियट इन टोमेटोज दैट हैज़ एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी टोमेटो में कौन सा फाइटो न्यूट्रियट होता है जो एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है साइट्रिक एसिड विटामिन ए लाइकोपिन और आइसोफ्लेवर्स तो होता है लाइकोपिन आइडेंटिफाई द इंटरनल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग रिक्रूटमेंट अब इनमें से इंटरनल जो फोर्सेस कौन से जो रिक्रूटमेंट को इन्फ्लुएंस करता है रिक्वायरमेंट सॉरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी साइज ऑफ द फर्म ग्रोथ एंड एक्सपांसन रिक्रूटमेंट पॉलिसी एग्जिस्ट पॉलिसी सप्लाई एंड डिमांड सप्लाई एंड डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर मार्केट इमेज कॉस्ट पॉलिटिकल लीगल तो इसमें जो होता है वह होता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी साइज ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपांसन द रिसोर्स डेट ऑरिजिनेट इंटरनली आर कॉल्ड ऐसा कौन सा रिसोर्स जो इंटरनली uh, ऑरिजिनेट होता है कम्युनिटी रिसोर्स नॉन ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्सिस और इंटरनल रिसोर्स तो इसको कहा जाता है ह्यूमन एवरेज रिटर्न आर अब एवरेज रिटर्न का मतलब क्या होता है हायर प्रॉफिट देन द फर्म अर्न लास्ट ईयर हायर प्रॉफिट देन द इंडस्ट्री एवरेज ओवर लास्ट टेन ईयर प्रॉफिट नॉट मच एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ व्हाट एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू अर्न फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट विथ सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एंसर नंबर फोर डी the goal of organization is to ensure that all workers have the same day jo organization ka goal hota hai wo kya ensure karna hota hai ki jo workers hain unme ek jaisa kya hona chahiye vision vision religion, culture कल्चर और स्ट्रेटजी तो वो होना चाहिए विजन तो इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन के इतने ही क्वेश्चंस थे इसके बाद हम दूसरे पेपर्स के साथ मिलते हैं थैंक यू सो मच